तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। यौम आशूर नवासे रसूल की अजीम कुर्बानी का दिन मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आजादारा ने हुसैन ने मातम बर्पा करने के बाद करबला के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। नोहा खानी में फजाइल बयान किए गए। शबीह आलम और जुजना की जियारत की। नन्ने आजादारा ने हुसैन की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में यौम आशूर के जुलूस के शुरका तिब्बत सेंटर पर नमाज जहरैन अदा की। लाहौर में रात को निकलने वाला जुलूस मंजिल की जानिब रवाना दवा। आजादारा ने हुसैन ने नमाज जहरैन रंग महल चौक में अदा की। पेशावर कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में आजादारों के जुलूस बरामद। मुल्क भर में आजादारी जुलूसों की हिफाजत के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिक्योरिटी कैमराज और फजा से निगरानी। पुलिस और रेंजर्स के हजारों अहलकार तैनात। कराची और लाहौर समेत बेशतर शहरों में मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिए गए। यौम आशूर नहायत अजीम अज़्मो हिम्मत और एहतराम का दिन है। इमाम अली मकाम की शहादत रहती दुनिया तक अज़्म इस्तक़लाल की अमानत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगाम। तालिबान ने इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान का ऐलान कर दिया। बरतानवी राज से आजादी को 102 साल मुकम्मल होने के मौके पर किया गया। तमाम ममालिक के साथ अच्छे तजारती और सिफारती ताल्लुकात रखने का अज़्म। काबुल में दीवारों पर लगी लड़कियों की तस्वीर पर स्प्रे कर दिया गया। काबुल में पाकिस्तान के सफीर की साबिक अफगान सदर हामिद करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला से अहम मुलाकात। अफगानिस्तान की नई सूरत हाल पर गौर। इंतकाल इकतदार की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों को लेकर PIA की परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और इंतजामी मसाइल की वजह से बोर्डिंग में ताखीर का सामना रहा। तमाम मुसाफिर 5 रोज से काबुल में फंसे हुए थे। मुसाफिर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। 2 दहाइयों की जंग के बाद अफगानिस्तान से निकलते वक्त अफरा तफरी तो होना ही थी। समझ नहीं आती अफरा तफरी के बगैर इनखिला कैसे मुमकिन था। अमरीकी शहरी भी निकल आए जिन्होंने हमारी मदद की। उन्हें वहां से निकालने में मुश्किल पेश आ रही हैं। अमरीकी सदर जोसेफ बाइडेन जूनियर का TV चैनल को इंटरव्यू। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदतमीजी का वाकया। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तमाम अफराद का रिकॉर्ड चेक करने के बाद छोड़ दिया गया। तमाम अफराद के मोबाइल फोन की 14 अगस्त की लोकेशन ट्रेस की जाएगी। वीडियोज में नजर आने वाले अफराद से मैच भी किया जाएगा। CCPO लाहौर और कमिश्नर लाहौर मीनार पाकिस्तान वाकये की मुतासरा लड़की के घर पहुंच गए। गुलाम महमूद डोगर और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने लड़की की वालिदा और भाई से मुलाकात की और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। भारत ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी को कुचलने की कोशिश कर रहा है। अगले 70 साल भी ये कोशिश करता रहा तो कामयाब नहीं होगा। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कश्मीरी बच्चों की वीडियो भी शेयर कर दी। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 76 अफराद इंतकाल कर गए। 4373 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 7.8% रही। लाहौर में लारी अड्डा पर ड्राइवर ने बस ट्रैफिक वार्डन पर चढ़ा दी। मौके पर ही जान बहक हो गया। ओवरलोडिंग की वजह से ट्रैफिक वार्डन ने बस ड्राइवर को रोकने का इशारा किया था। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम का जमैका के क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पाक वेस्टइंडीज सीरीज का दूसरा मैच कल से खेला जाएगा। मेजबान टीम वेस्टइंडीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। T20 वर्ल्ड कप 2021 की ट्रॉफी टूर से मुतल्लिक ICC ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी जिसमें 2016 वर्ल्ड कप के हीरो कार्लोस ब्राथवेट ने नज्म पढ़ी है।